दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट। ईरानी कप का फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत के बीच खेला गया। इस एक तरफा मुकाबले में शानदार गेंदबाजी के दम पर सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप की चैंपियन बनी। इस मैच के हीरो रहे मुकेश कुमार, जिन्होंने 72 रन देकर 5 विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच बने। तो ये नजर डालते हैं राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले पर। इस मैच में टॉस जीतकर रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसे गेंदबाजों ने बिल्कुल सही साबित किया। सौराष्ट्र की टीम अपनी पहली पारी में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। सौराष्ट्र के बल्लेबाज रेस्ट ऑफ इंडिया के गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते नजर आए। सौराष्ट्र के लिए अर्पित वासावाद ने 22 और धर्म सिंह जडेजा ने 28 रन की पारी खेली। इसके अलावा सौराष्ट्र का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सका और सौराष्ट्र की पहली पारी 98 रन पर ही सिमट गई। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुकेश कुमार ने 4 विकेट झटके। जवाब में उतरी रेस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत खराब रही और सिर्फ 18 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन इसके बाद कप्तान हनुमा विहारी ने सरफराज खान के साथ मिलकर पारी को संभाला। सरफराज खान ने शतक जड़ते हुए 138 रन की शानदार पारी खेली। सरफराज ने अपने इस पारी में 20 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं कप्तान हनुमा विहारी ने भी 82 रन बनाए। इसके अलावा सौरभ कुमार ने 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि जयंत यादव ने भी 37 रन बनाए, जिसकी बदौलत रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट पर 374 रन बनाए और 276 रन की बढ़त हासिल की। सौराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा चेतन सकारिया ने 5 विकेट झटके। दूसरी पारी में भी सौराष्ट्र के बल्लेबाज बैकफुट पर नजर आए। पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी टॉप ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ और सिर्फ 87 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। हालांकि इसके बाद सौराष्ट्र के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। शेल्डन जैक्सन ने 71, अर्पित वसवाद ने 55, प्रेरक माकड़ ने 72 और कप्तान जयदेव उनादकट ने 89 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली और अपनी टीम को पारी की हार से बचाया। इस तरह सौराष्ट्र ने अपनी दूसरी पारी में 10 विकेट पर 380 रन बनाए और रेस्ट ऑफ इंडिया को 105 रनों का लक्ष्य दिया। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कुलदीप सेन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अभिमन्यु ईश्वरन ने 63 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और नॉट आउट रहे। वहीं दूसरी ओर श्रीकर भरत ने भी नॉट आउट 27 रन बनाए। सौराष्ट्र के लिए कप्तान जयदेव उनादकट ने 2 विकेट झटके। इस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया ने आसानी से 2 विकेट पर 105 रन बना लक्ष्य हासिल किया और ईरानी कप की विजेता बनी।